नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसान परिवारों की आर्थिक प्रगति और विकास सरकार का दायित्व है। जी हां, हरियाणा में करीबन 17 लाख किसान परिवार हैं और उन किसान परिवारों की आर्थिक प्रगति और विकास करना सरकार का दायित्व है, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। वे चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान की आय 2022 तक दुगना करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के चलते कई कारगर योजनाएं और परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान में रखते हुए की गई ये वार्ता। मुख्यमंत्री ने किसानों पर फोकस करते हुए कहा कि प्रदेश में और प्रदेश सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगना करने की दिशा में प्रदेश में गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके लिए कई कारगर योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की है, जिनमें फसलों के लाभप्रद मूल्य को दिया जाना और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर किसान को सालाना 6,000 रुपये उपलब्ध करवाने की नई पहल की है और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 15,000 रुपये या वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक हो, उनको या फिर 5 एकड़ यानी है 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि हो, वे परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें बोने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा SYL नहर पर हांसी भुटाना नहर में पानी लाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में लखवार डैम व रेणुका बांध परियोजना सहित कई माध्यमों से पानी लाने की परियोजना भी प्रगति पर है। सरकार द्वारा प्रदेश में 3 खंडों रतिया, शाहबाद, गुल्हा और सोसो रिचार्ज बोर्ड भी करवाए जाएंगे। इसके माध्यम से बासमती पानी में जमीन में डाला जाएगा, यानी जब बरसात आएगी और मौसम होगा उस समय वो सारा पानी जमीन में डाल दिया जाएगा। प्रत्येक बोर्ड में 1.5 लाख रुपये का खर्चा आएगा। एक बोर्ड से लगभग 10 एकड़ भूमि में जल स्तर में सुधार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भावांतर भरपाई योजना, किसान मित्र क्लब, चीनी मिलों का निर्माण करना, क्षमता को बढ़ाना और पशुधन क्रेडिट कार्ड तथा ब्याज मुक्त फसली प्रणाली जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने में सफलता मिल रही है। आप देख रहे हैं पलपल की ये विशेष रिपोर्ट। हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स की जो है उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये है कि एग्जैक्ट 44,212 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, यानी अगर उसको हेक्टेयर्स में अगर हम नापेंगे तो 40,21,200 हेक्टेयर ये लैंड बनती है। अब उसका एक एक इंच जो भी जिसका है तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद टोटल उसका इतना आना चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी जमीन के रिकॉर्ड को हम आगे फिर उसकी फसल कैसे होता है उसका उपयोग करेंगे और उसके लिए हम ला रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक 2 साल पहले इस पोर्टल को हमने शुरू किया था, 2 साल में लगातार उसके अंदर सुधार लाते चले गए और सुधार लाने के बाद इस बार उसका मैक्सिमम उपयोग हुआ है। किस किसान ने कौन से एकड़ में क्या फसल बोई, ताकि ये हमारे पास डाटा रहेगा तो हमें परचेज करने में आसानी होगी। किसान का कोई मुआवजा है खराब होने के बाद वो देने के बाद आसानी रहेगी, हम अपने एस्टीमेट्स ठीक से लगा पाएंगे, प्लानिंग ठीक कर पाएंगे और यदि कुछ चीज़ कम ज़्यादा करनी है उसको अपील करनी है, जैसे अभी हमने धान की अपील की कि धान कम बोना चाहिए, उसको भी अगर मॉनिटर करेंगे तो उसी में से मॉनिटर कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी कुछ कहेगा कि मैंने यहाँ धान बोया था, आज मैं डाइवर्सिफाई करके दूसरा कर रहा हूँ, मुझे 2-7 हज़ार रुपये। अगर हमारे पास ठीक डाटा नहीं होगा तो स्कीम फेल हो जाएगी। स्कीमों को लागू करने के लिए इस प्रकार का डाटा बहुत ज़रूरी है। हर एक मंडी में अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार के ऊपर उनको टोकन दिया जाता है। पहली बार मंडियों के 1800 सेंटर जो गेहूं के थे निश्चित दिन पर बताया जाता था, भाई आप किसानों को आना है, उनको फ़ोन करते हैं, SMS करते हैं, टोकन देते हैं, आप आइए अपनी मंडी में अनाज छोड़िए और चले जाइए, वरना 3-3 दिन मंडियों की बाहर लाइनें लगी रहती थी। और इस बार किसान को ये लगा कि जैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया, हम जाते हैं मंडी में अपना गेहूं छोड़ते हैं, अपना वापस आ जाते हैं। ये ठीक है, आगे की प्रोसेस जितनी पहली बार की है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा कि उस किसान के खाते में
पेमेंट किस दिन पहुंचनी है, वो शेड्यूल हमारा 7 दिन का था, लेकिन उसमें 15 दिन 14 दिन, शुरू में तो 18-20 दिन भी लगे, लेकिन बाद में 13-14 दिन तक आ गया। अब प्राय प्राय वो पेमेंट्स सबकी हो गई है, 500-400, यानी 16,000 करोड़ रुपए में से 500-700 करोड़ ऐसा है जो पाइपलाइन में है, किन्हीं कारणों से है, छोटे मोटे कारण उसके रहते हैं, वो जैसे जैसे क्लियर होगा वह सब पहुँच जाएगा। तो इस बार उसकी प्रोक्योरमेंट अच्छी हो गई है, इसमें कुछ सुधार करने के लिए और मेरी फसल मेरा बेरा में सुधार करेंगे, ताकि किसान को घर बैठे सारी सुविधाएं उसके नाते से मिल सके, ये हम कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा का भी विषय एक ऐसा उलझन भरा इश्यू बना हुआ है कि पहले बीमा नहीं होता था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बैंकों के माध्यम से एजेंसियों को हमने उसमें टेंडर दिया, तो बैंकों से पैसे कटते थे, बाद में किसान ने कहा कि नहीं, पैसा जो है हमारा जबरदस्ती नहीं कटना चाहिए। हालांकि जो कोई लोन लेता है, नियम यह है कि उस लोन को सिक्योर करने के लिए बैंकिंग एजेंसीज अपना लोन सिक्योर पहले करते हैं कि भी इसका बीमा जरूर कराओ, कल को कोई नुकसान हो तो बैंक को उसका घाटा ना पड़े, इसलिए वो सब किया जाता था। लेकिन जब ये किसान की मांग आई तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, ठीक है मैंडेटरी नहीं रहेगा, जिसको कराना है कराए, जिसको नहीं कराना नहीं कराएगा। आज आवाज़ वो उठी, मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन आज किसान वही वो कहता नहीं बीमा करिए, क्योंकि बीमे के बाद उसको पता है कि मुझे 25,000 रुपया प्रति एकड़ मिल जाएगा, नुकसान तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, खड़ी फसल बाहर है, और हम सरकार की ओर से सिर्फ 12,000 रुपया देते हैं, 50-50 है, तो इसलिए वो अब 2% दे करके अपना बीमा कराना उसने शुरू किया है। जो बीमा पहले होता था उसी प्रकार का बीमा अब भी हो रहा है। अब लेकिन किसान बैंक वाले पूछते हैं बीमा कराना है, वो कहता हाँ कराना है, और आगे चल करके तो कहीं भी कोई भी लोन किसी का होगा, बीमा उसमें से एक अनिवार्य शर्त एक प्रकार से बनी ही जाती है, हर किसी का उसमें इंटरेस्ट है। तो इसलिए बीमा जो कराया गया, तो एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि किसानों ने अभी तक जो 12 लाख किसानों ने अपनी फसल का बीमा किया हुआ है, जो कराया था पिछले दिनों में, 812 करोड़ रुपया उसका प्रीमियम के रूप में किसानों ने दिया, बाकी सरकारों ने दिया, सरकारों का अलग है, लेकिन किसान को जो मिला है 2632 करोड़ रुपया मिला है, अर्थात 3.5 गुना, 3.5 गुना पैसा ज्यादा मिला किसानों को। अब इसमें चूंकि बीमा कंपनियां होती हैं, उसको कुछ ना कुछ लाभ तो वो भी कमाती हैं, घाटे में कोई कंपनी कभी चलती नहीं है, वो लाभ सरकार के द्वारा जो बीमा दिया जाता है उसमें से वो कमाती हैं, ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे सारे उसमें से चला सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति एकड़, नहीं प्रति परिवार, प्रति किसान। पहले इस जमीन का भी रखा गया था कि 2 हेक्टेयर हो, 5 एकड़ हो, बाद में उस कंडीशन को भी हटा दिया कि एक किसान जो भी लैंड है उस हर एक किसान को साल का 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। ये भी हमने आगे शुरू किया, और वो दूसरा साल है, उसका पैसा दिया भी जा रहा है, एक पिछले साल का पूरा दे दिया, दूसरे साल के पहली किस्त ये प्रधानमंत्री जी ने जब अपना पैकेज घोषित किया उसके अंदर घोषणा की कि 2,000 रुपया हर किसान को भेज दिया जाएगा। साथ ही हमने हरियाणा में भी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत, इसमें हमने कंडीशन रखी हुई है वही कि 5 एकड़ से कम या 1,80,000 रुपये तक जिसकी आय है या नहीं है, और दोनों चीजें, तो ऐसे किसान को या ऐसे परिवार को, बाकी परिवार भी उसमें सम्मिलित हैं जिनकी जमीन नहीं है, उनको 6,000 रुपये साल का हम देंगे, लेकिन हम कुछ प्रीमियम उसमें जो उनकी योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में जो प्रीमियम देने की आदत नहीं है, वो प्रीमियम पहले उनको दिलवाएंगे, बाद में बचेगा तो उसका पैसा उसके बैंक खाते में जमा करा देंगे। तो इस प्रकार की ये सब योजनाएं ये हमने दी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया प्रति साल का है, इसमें 1,392 करोड़ रुपया ये डाले जा चुके हैं पिछले साल में। एक हमने अभी मेरा पानी मेरी विरासत इसकी घोषणा की है, तो मेरा पानी मेरी विरासत का अर्थ सीधा सीधा आप लोगों को पहले जानकारी दी कि पानी बचाना ये हमारा मुख्य हेतु था, और पानी बचाना है तो अल्टीमेटली पीने के लिए जितना चाहिए जरूरी सबको देना ही देना पड़ेगा हमको। अगर पानी बचता है तो उसका सीधा सीधा लाभ इरिगेशन में ज्यादा होता है, और उसको जैसे हम प्रबंधन ठीक करेंगे उतना ज्यादा भूमि पर सिंचाई कर सकते हैं। दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने के लिए ये पानी का प्रबंधन हमको बहुत काम आया है। 300 ऐसी टेल जहां 25 साल से पानी नहीं पहुंचा था, 293 टेल में हमने पानी पहुंचाया है। हमारे कृषि मंत्री जी उसी इलाके से संबंध रखते हैं, यानी इनके क्षेत्र में लोहारू विधानसभा में गया
और आखिरी टेल राजस्थान के बॉर्डर पर, उन टेल्स में हो क्या आया, आपने एक मेरा फोटो भी देखा होगा, एक ऊंट पर चढ़ करके और मैंने वहां भाषण दिया था, तो ऊंट का इलाका है वो। आप नांगल चौधरी हमारे विधायक अभय सिंह जी उनसे पूछ लीजिए, आप सतनाली महेंद्रगढ़ विधानसभा उनसे पूछ लीजिए, इन सब इलाकों में जहां पानी नहीं पहुंचा था इतने सालों तक, वो हमने पानी पहुंचाया केवल पानी का अच्छा प्रबंधन करके। इसीलिए इस बार ये जो धान की फसल पर पानी ज़्यादा लगता है इसको कम करें, उसकी अपील मैंने की। शुरू में इसका विरोध हुआ और विरोध भी पॉलिटिकल लोगों ने ज़्यादा किया, विपक्ष के लोगों ने, कुछ किसान संगठन है जो राजनीति करते रहते हैं उन्होंने किया कि अगर पानी नहीं मिलेगा यानी धान नहीं बोएंगे तो क्या खाएंगे। हमने सारा अध्ययन कराया, कुल मिलाकर के एक विषय जो ध्यान में आया, कुछ एरिया बाढ़ग्रस्त एरिया है, पूरे घग्गर के आसपास का इलाका है, तो उसमें गुमथला ये अपना गूला विधानसभा और इस्माइलाबाद विधानसभा, ये अपने ब्लॉक आगे रतिया ब्लॉक, ये तीन ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया ज़्यादा मिला, जिसमें हमको लगा कि हाँ इनको कुछ थोड़ी छूट देनी चाहिए क्योंकि धान के अलावा कुछ हो नहीं सकता। वहाँ के लिए एक योजना बनाई हमने, रिचार्जिंग योजना, कि पानी बरसात का जब खड़ा होता तो रिचार्जिंग करके ज़मीन में डाला जाए। लगभग 1000 बोर ये हम लगाने की योजना बना रहे हैं। डिपार्टमेंट ने कुछ अभी 3 ब्लॉक्स की योजना घोषित कर दी है, वहाँ के डाटा उनके पास आ गए, बाकी ब्लॉक की भी घोषणा करेंगे, जिसके अंदर जितना भी खर्च आएगा एक बोर पर, वो 9 इंच उसका घेरे का बोर होगा और वहाँ पानी बरसात का उसमें जाएगा, 1.5 लाख रुपए के लगभग एक बोर पर खर्च होता है, 3 या 4 दिन में तैयार हो जाता है। उसमें से 10% पैसा ये हमने किसान को कहा कि वो लगाए, 90% उसमें सब्सिडी के रूप में कहें वो सरकार लगाएगी और बाद में उस बोर को हैंडओवर करेंगे किसान को, कि अब इसको मेंटेन भी रखना है ताकि आगे भी 3-4 साल 5 साल उसमें रेत ना जाए, मिट्टी ना जाए, बंद ना हो, ताकि अगले सालों में वो काम आ सके। बीच बीच में उसकी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे। पानी का लेवल कुछ इलाकों में, यानी धान वाले इलाकों में कह रहा हूँ, 80 मीटर डाउन भी चला गया है। 81 मीटर कल एक सिरसा का गाँव था उसमें मैंने देखा 81 मीटर डाउन, जो आज से 10-12 साल पहले 50% पर था, जहाँ 40 मीटर था वहाँ 80 मीटर हो गया, जहाँ 20 मीटर था वहाँ 40 मीटर हो गया। इसी स्पीड से अगर पानी नीचे जाता रहा तो आगने वाले 10-12 साल के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ी जो ये खेती जो छोड़ के जाएंगे, विरासत दे के जाएंगे बच्चों को, लेकिन सूखी भूमि दे के जाएंगे, रेतीले टीले दे के जाएंगे अगर पानी नहीं दे के जाएंगे तो। इसलिए पानी भी उसमें साथ रहना चाहिए। किसानों को योजना अच्छी पसंद आई है, छोटी मोटी कठिनाइयाँ उनको हमने दूर की हैं, 7000 रुपया हर एकड़ का उसमें सब्सिडी भी दी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो भी सरकार देगी और उन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट भी करेगी, मक्का बोएंगे, दालें बोएंगे, तिल बोएंगे, ऐसी सब चीज़ों की प्रोक्योरमेंट ये सरकार करेगी। सब्जियों के लिए भावांतर भरपाई योजना, घाटा होगा तो सब्जी का सरकार उठाएगी। और इसी प्रकार बागवानी, उसके लिए भी हमने 20000 रुपया प्रति हेक्टेयर ये उनको अनुदान बागवानी के लिए देते हैं। ड्रिप इरीगेशन, उसके लिए भी 85% सब्सिडी ये हमने उसके लिए दी है। तो कुल मिलाकर के हम चाहते हैं कि पानी ये कैसे बचे। माइक्रो इरीगेशन के प्रोजेक्ट, इसको बढ़ाने के लिए हमने 85% की सब्सिडी दी है कि पानी कम खपत हो। पानी का बाहर से आना है, पानी हमारे अपना कोई स्रोत नहीं, हरियाणा में यमुना है तो भी आधी हमारे पास है, आधी उत्तर प्रदेश के पास है, बाकी नदियां हमारे पास नहीं है। SOIL का झगड़ा बीच में पड़ा है, उसके लिए हम लगे हैं, कई बार उसका प्रश्न आ लिया, इसलिए आपको सब उसका क्लियर है। हम लगे सुप्रीम कोर्ट एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर दे तो वो नहर बननी शुरू होगी। इसी प्रकार 3 प्रोजेक्ट ऐसे थे, लखवार, किसाऊ और रेणुका, ये 40-45 साल से लटके हुए थे, 76 तब के ये इसका जो MOU तो नहीं हुआ था, उस समय एक अंडरस्टैंडिंग कोई बनी होगी, उस समय ये शायद कंसीव किए गए होंगे ये प्रोजेक्ट। उस समय के बाद अड़ंगे डले हुए, राजनीतिक अड़ंगे थे, और सबसे पहले शुरुआत कब हुई, मैंने एक दिन हेलीकॉप्टर उठाया, मैं लखवार डैम पर चला गया और जब वहाँ गया तो सब मीडिया के मित्रों ने उसको उठाया कि इतना कितना महत्वपूर्ण विषय था कि जो यहाँ से उड़े और उसे और लखवार उत्तराखंड में जाकर देखा है। उमा भारती जी ने बुला लिया कि ये क्या है मामला, मैंने कहा आप देखो, निकालो फाइलें। फाइलें निकाली, 40-50 साल से अटका हुआ है। धन्य है उमा भारती और बाद में नितिन गडकरी, जिन्होंने फटाफट सब प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके 2 के MOU हो चुके हैं, केवल एक बाकी बचा है, वो थोड़ा उत्तराखंड और हिमाचल का आपस में कोई बिजली के मामले को लेकर विवाद है, वो हल हो जाएगा वो भी मुझे लगता है। और इन तीनों डैम से 47% पानी वो हरियाणा को मिलने वाला है।
हमने हिस्से का जो हमारा पैसा था वो सारा जमा करा दिया है, लखवार पर तो काम शुरू हो गया है, किसाऊ और रेणुका ये भी काम शुरू होने के 2-2.5 साल बाद इसका पानी हमको मिलना शुरू होगा। यमुना में जो आज हमें 3 महीने पानी मिलता है वो हमको 7-8 महीने पानी मिलेगा, तो उस पानी की भी हमें आगे लाभ मिलेगा, भरपाई हो जाएगा। मेरा पानी मेरी विरासत में हमने किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था, अभी तक 53,000 किसानों ने 58,421 हेक्टेयर ये धान की फसल की जगह अन्य वैकल्पिक फसलें लगाने का एक फॉर्म अपना भर के अपना पोर्टल पर लोड कर दिया है, और हमारा जो टारगेट है वो 1,00,000 हेक्टेयर का है। मक्का इस बार लोग ज़्यादा इसलिए भी बोने के लिए आगे आ रहे हैं कि संयोग से MSP जो बढ़ा इस बार वो मक्का का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा है, 1760 से 1850 हुआ है, और धान कम बढ़ा है, 53 रुपया बढ़ा सिर्फ, वो 90 रुपये बढ़ा या 53 रुपया बढ़ा, रेट एक जैसा है। तो मुझे लगता है कि हमारी केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि धान की बजाय मक्का, बाजरा, ज्वार या ये फसलें कोर्स ग्रेन जिनको कहते हैं वो ज़्यादा हों। आज मेडिकल साइंस भी कहने लग गई है कि कोर्स ग्रेन जो है वो शरीर के लिए अच्छा है, अब तो लोग मिक्स करके भी आटा खाने लग गए हैं ज़्यादा, तो ये उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सूरजमुखी का भी हम लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अभी शुरू हुआ 5 तारीख से ही, और ये भी हम पूरा करेंगे। सरसों भी 8,00,000 मीट्रिक टन ये हमारी खरीद हो गई है, लगभग 3,500 करोड़ रुपये वो भी हमने दे दिया है पैसा। मंडियां हमारी, जैसे मैंने बताया कि इस बार मंडियां भी हमने 4 गुना मंडियां कर दी थी। चना जो है वो भी 14 मंडियों में खरीदना शुरू हो चुका है, इसमें भी खरीद जो है, क्योंकि चना उतना ज़्यादा नहीं होता है तो इसलिए हर जिले में दो तीन मंडियां ऐसी शुरू की हैं, 6 जिलों में 14 मंडियां हैं। चने का रेट भी मार्केट में MSP के बराबर ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी नहीं आएगी। मूंग भी जो है वो खरीदी गई है 3,752 मीट्रिक टन। इसी प्रकार एक विषय रिचार्जिंग ऑफ वाटर, जैसे मैंने बताया कि 1,000 हम बोरिंग जो लगा रहे हैं उस पर ये खर्चा आएगा। केंद्र सरकार की योजना है अटल भूजल योजना, जो घोषित की है अभी, उसकी रूल्स वगैरह तो अभी बन के आने वाले हैं, तो भी 734 करोड़ रुपए की योजना ये हमारी 3 साल के लिए है। तो इस योजना के माध्यम से भी जमीन में पानी कैसे ज़्यादा जाए इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जल परीक्षण की प्रयोगशालाएं ये हमने बढ़ाई हैं, यानी 34 से बढ़ाकर अभी पिछले कार्यकाल में 111 ये हमने जल परीक्षण प्रयोगशालाएं, ताकि जल की क्वालिटी क्या है इसकी टेस्टिंग ठीक हो सके, किसान को हर प्रकार की सुविधा देना ये हमारा इसमें। ब्लॉक्स के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये बनाए हैं, कुछ मशीनरी ऐसी है कि हर किसान खरीद नहीं सकता, उसको वहाँ पर किराए पर चीज़ें मिल जाएं, तो ऐसे किसानों के समूह मिल करके कस्टम हायरिंग सेंटर ये अगर बनाते हैं तो इनको हम 80% की सब्सिडी देते हैं उस मशीनरी पर। पराली, इस पराली का जैसे पिछले 2 साल के अंदर जितना ही रहा शोर के भी इसको मत जलाए, इसको उपयोग करें, तो उस पराली के प्रबंधन के लिए जो इस प्रकार की मशीनरी है उसको खरीदने के लिए हमने 80% राशि दी। अभी मक्का को बिजाई करने के लिए मेज प्लांटर ये भी हम खरीदने के लिए उनको दे रहे हैं, और ये सारे कस्टम हायरिंग सेंटर पिछले 2 साल में बनाए हैं, इससे पहले कोई इस प्रकार का कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं होता था। ये ठीक है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक आध सेंटर अपना बना लेता था, वो 1 साल मशीनें चलती थी, अगले साल पता ही नहीं लगता था कहाँ गई कहाँ नहीं, तो हमने इसलिए प्राइवेट लोगों को कहा कि भाई आप खरीदिए, हम आपको पैसा देंगे 80% 20% अपना लगाइए, ताकि वो ठीक से अपना संभाल भी करेगा, किराया भी लेगा, कमाई भी करेगा, उसको बिजनेस भी उसको मिलेगा, तो हर कोई अपने हिसाब से उसकी जितनी ज़रूरत होती है किसान उसको आगे ले लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। भावांतर भरपाई योजना में जैसे मैंने बताया, सब्जियां 19 प्रकार की सब्जियां हैं जिनका भावांतर भरपाई योजना में बागवानी फसलों में लागू होती है। पिछले 1.5 साल में 10,11,00,000 रुपए की राशि ये हमने किसानों को बांटी है। पंजीकरण इसमें करवाया कुल मिला के 58,000 किसानों ने, और ये लाभ लिया 4,187 किसानों ने, क्योंकि लाभ उसी स्थिति में वो लेगा जब उसका मार्केट भाव से, यानी उसकी जो कीमत कॉस्ट जो उसकी आई है, कॉस्ट ऑफ सोइंग पैदा करने की,
उससे भी कम अगर मार्केट रेट हो गया तब उसको हम भरपाई देते हैं, ताकि वो कहीं जब पहले छपते थे समाचार के सड़क पर आलू फेंक दिए, सड़क पर सब्जी फेंक दी, सड़क पर टमाटर फेंक दिए, ये कर दिए वो कर दिए। लेकिन इसमें एक शर्त रखी है कि जिसको ये लाभ लेना है पहले वो किसान रजिस्टर कराए अपने आप को। अगर रजिस्टर नहीं कराएगा तो फिर डिपार्टमेंट जो है उसकी संभाल नहीं कर पाएगा बिना रजिस्ट्रेशन के, हालांकि रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी लापरवाही करते हैं। अभी पिछले दिनों में दादरी में कुछ किसानों का मामला आया, हमारे कृषि मंत्री भी वहां गए, पता लगा कि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। लापरवाही जो होती है वो ये होती है, फिर डिपार्टमेंट कहता है अभी बिना रजिस्टर के तो पता नहीं कोई बोएगा या बिना बोए या करके पर्चियां पकड़ा देगा जो मुझे घाटा हो गया। कम से कम डिपार्टमेंट की पकड़ बनी रहे इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो फिर उनको वो लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ जैसे मैंने बताया सरसों बाजरा दालें आदि जब खरीदते हैं और हमें अपने आप बेचनी पड़ जाती है तो घाटे पर बिकती हैं, इसमें भी 610 करोड़ रुपया ये हमारा इस समय तक लग चुका है। इसको भी हम भावांतर भरपाई योजना में ही मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा भाव में खरीदा कम भाव में बेचना पड़ा हमें, तो ये भावांतर भरपाई योजना में ये पैसा भी इसमें लगा, तो कुल 620 करोड़ रुपये का खर्च इसमें कर चुके हैं।